बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज पचैना की इस धरती पर इतिहास बनने जा रहा है। आज से पहले 1968 में चौधरी चरण सिंह ने इस कॉलेज में हाल की नींव रखी थी। आज 1968 के बाद आप लोगों के प्यार और सहयोग से जनता इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति द्वारा किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह की मूर्ति का अनावरण आज उसी किसानों के युवा धड़कन हृदय सम्राट जयंत चौधरी के द्वारा उस मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है। ये उपलब्धि इस क्षेत्र की आने वाली पीढ़ियों के लिए इतनी जरूरी थी कि हमारे आने वाली पीढ़ी इस बात को याद रखे। कॉलेज में इसकी आवश्यकता थी, शिक्षा के साथ साथ कि हमारे पूर्वज जिन्होंने इस देश के किसानों की काया पलट की, आज याद आते हैं वे क्षण जिस महान आत्मा ने हम इस जमीन के मालिक बनाए। आज वही किसान अन्नदाता आज रो रहा है, उसकी आवाज देने वाला कोई नहीं है। आज किसान की अगर निगाह है राजनीति में, केवल जयंत चौधरी जी हैं और उनके लिए ये चुनाव चौधरी अजीत सिंह के बाद पहला चुनाव है। हमारा आप सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम उस महान शक्ति को अपने तन मन धन और वोट से इतनी ताकत दें कि आने वाली इस देश की जनता, इस देश का किसान, गरीब, कमेरा वर्ग अपने आप को ऐसा है महसूस ना करे। हम महसूस करते हैं कि इस सरकार ने 7 साल के शासन में है हम कितने निसहाय कर दिए कि हम दिल्ली के अंदर भी प्रवेश नहीं कर पाए। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, ये आप लोगों की कमी है। और जयंत चौधरी से पहले पिछले वर्ष चौधरी अजीत सिंह आप लोगों के पास वही गाजी बॉर्डर पर पहुंचे थे जब किसान वहां पर एंट्री कर रहा था। चौधरी अजीत सिंह इतनी आयु के बावजूद आप लोगों के पहुंचे और वे बेहोश हो गए थे। याद करो वे क्षण, चौधरी अजीत सिंह इतने बुजुर्ग होते हुए और आप लोगों के लिए जो गन्ने का भाव है उसी चौधरी अजीत सिंह ने दिया था। नई राज्य सरकार को गन्ने का भाव बढ़ाने का अधिकार नहीं था, वे थे केवल 5 MP के बलबूते पर। आप लोगों को आज गन्ने की विरासत दी है जिसके वजूद पर हम आज ये कपड़े, ये गाड़ी, ये मकान जो कुछ है चौधरी अजीत सिंह की देन है। अगर चौधरी अजीत सिंह उस कानून को ना बदलवाते तो आज हमारे गन्ने का भाव 150-200 रुपए क्विंटल ये कोल्हू ही खरीदते। उस महान आत्मा के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि आने वाले 10 फरवरी के चुनाव में हम अपने घर से निकल करके अधिक से अधिक संख्या में नल पर मोहर लगाएं और जयंत चौधरी के भविष्य और अपने भविष्य का निर्धारण करें। अगर आप अपने स्वाभिमान, अपने जीवन को चाहते हैं तो केवल जयंत चौधरी ही एक ऐसी वर्तमान स्थिति में शख्सियत है जो आप लोगों के बीच थे। जब मुजफ्फरनगर जल रहा था तब भी याद करो कि आपके बीच कौन आया था, जयंत चौधरी थे। उसी के लिए आज अग्नि परीक्षा है। जयंत चौधरी ने चौधरी अजीत सिंह के बाद ये संकल्प किया था, आप लोगों से ये कसम दिलाई थी कि मैं राजनीति तब करूंगा अगर आप हिंदू मुस्लिम के बंटवारे में ना हो, नहीं तो मैं दिल्ली में ही रहूंगा। आप लोगों के लिए नहीं, मुझे राजनीति की आवश्यकता नहीं, मेरे आपसे खून का रिश्ता है। किसानों के लिए लड़ना चाहता हूँ, किसानों के लिए मरना चाहता हूँ। तो ये मेरे देश के अन्नदाता, अगर आपको अपने भविष्य चाहिए तो जयंत चौधरी की उस आवाज को याद करो। हमें बटना नहीं है, हिंदू मुस्लिम में नहीं आना है। इस सरकार के पास और कोई कार्यक्रम नहीं है, केवल हिंदू मुस्लिम आज तमाशा देख रहा है। यही मुजफ्फरनगर की धरती है जहाँ से
बीजेपी का उदय हुआ था, यही आपका कर्तव्य है। इसी धरती से बीजेपी का जफत करना होगा। हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। जो जी चंद्री ने हमें दिया है, हिंदू मुस्लिम किया है, हमारे भाई हैं। चाहे हार हो चाहे जीत हो, पर इस गठबंधन को कोई नहीं तोड़ सकता। हिंदू मुस्लिम भाई भाई और किसान का जो आंदोलन है, रही है एक बात बहुत ही वो है, अपने अपने विधायक जी के बाद में कहूँ कि यहाँ पर पहले गठबंधन का प्रत्याशी था, लोगों का ये है कि वे आपके बीच में नहीं आए, गठबंधन से एमपी बनाया। पर मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि अनिल भाई हमारे घर के हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे घर के पास रहते हैं और दो बार विधायक बने, आपके सुख दुख में शामिल हैं। इस बात का वादा करते हैं हम मन से कि भाई अनिल आप लोगों के बीच होंगे, गठबंधन के प्रत्याशी हो या लोक दल के हो, आप लोगों के बीच रहेंगे। इस बात को नजरअंदाज नहीं करना कि लोक दल का हमने गठबंधन का एमपी बनाया था कि हमारे बीच नहीं आए। अनिल भाई बिल्कुल घर के हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, इसलिए आप 10 तारीख में अपनी वोटों को अधिक से अधिक डालें। आपके पास वोट बहुत हैं, केवल आप लोगों को बूथ तक जाने की आवश्यकता है। विजय आपको प्राप्त होगी और अनिल भाई आप लोगों के बीच में दुख दर्द में शामिल होंगे। लोक दल की नींव इसी प्रचंड से शुरू होगी और आज ये इतिहास बनाएगा।